2 रुपए की चाय कॉफी 3 रुपया, दूध 3 रुपया, मिनरल वाटर 10 रुपया, दही चावल और ये सब सिंगदाना की चटनी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखिए मैं तैयार हो गया एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में, अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए। ओम साई राम। दर्शन जाने से पहले यहाँ पर भी पेट पूजा हो रही है, और पेट पूजा के लिए मैं यहाँ पर, ये देखिए गवा गवा काटा जा रहा है। हम लोग है ना पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं भाई, घर का खाना सब कुछ, फल वल। और देखो लाल लाल तड़क भड़क, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, ऐसा ड्रेसिंग हो रहा है, इसलिए बीच बीच में ऐसा होगा, इरिटेशन होगा। प्लीज मेरे लिए हाँ, मुझे से अच्छा घर पे खाई ले बट्टू, बाहर का चिप्स खाएंगे इससे अच्छा। मैं भी खा लूँ? थैंक यू बच्चा। हर पलों का आनंद लेके चलिए, भगवान का दर्शन करते चलिए, हरे कृष्णा बोलते रहिए। आप घर पे चलोगे यहाँ रूम पे रहोगी? इसको इतना अच्छा लगता है इस रूम पे। पिछली बार हम लोग आए थे, पिछले बार से बोलते हमको नए रूम पे जाना है, हमको नए रूम पे जाना है, हमको नए रूम पे जाना है, घर पे नहीं रहना है। बोले मम्मी थोड़ा सा मेकअप कर दो, थोड़ा सा मेकअप कर दो, मम्मी तो कर ही नहीं, खुद ही मेकअप करने लग गई। बताओ मम्मी पापा कौन अच्छा लग रहा है? मैं नहीं अच्छा लग रहा हूँ। मैं इस रूम के लिए एक लॉक मिला है, यानी कि जो डोर लॉक था पूरा है, दोनों अलग हो गया ना। रुको, टूट गया। मुझे लगा टूट गया होगा, वैसे लगाया है, बंद हो गया। अभी खोलो, मैंने भी दरवाजा खोला, मुझे लगा टूटा हुआ है ऐसे। हाँ, वो बोला ठीक है कर दो। हाँ। अरे अरे आ जाओ चलो। तुम्हें बोला था देखो उस तरफ जो रूम्स मिले हैं ऊपर, उसमें देखो अटैच बालकनी भी है भाई। क्लीनिंग ना एकदम नेक्स्ट लेवल की है, मस्त एकदम मतलब हाइजीनिक है पूरा रूम्स, प्रीमाइसेस पूरा आइटम नीट एंड क्लीन। चलो कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं चाय लेने, चाय का 2 रुपया है, ये देखो 2 कॉइन लिया हूँ, 2 रुपए का 2 रुपए की चाय। हाँ, 2 रुपए की चाय कॉफ़ी 3 रुपया, दूध 3 रुपया, मिनरल वाटर 10 रुपया। अरे वाह, इतना बड़ा अकोमोडेशन दे दिया है, 2 रुपए वाली चाय देख कितनी सुंदर है। जैसे 15-20 रुपए मिलते वैसे है। टेस्ट कैसा है? अच्छा है और सब रीजनेबल। इसलिए दूध लिया था ना मैंने, उसमें शक्कर डाल के देते हैं तो पिया नहीं उसने। साईं के दर पे जो भी आता है खाली नहीं जाता है। ओम साई राम। ये मंदिर जाने के लिए फ्री बस सेवा भी है, ऐसे ही कुछ कुछ देर में बसेस आती रहती हैं यहाँ से मंदिर के लिए। आएगी आ ही रही है। अरे कंटिन्यू इतनी भीड़ है तो फटाफट सर्विस चल रही है, एक पूरी लाइन लगी है यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए। एक्चुअली यहाँ से मंदिर करीब करीब 1 किलोमीटर है, ऑटो वाले तो जबरदस्त पैसा मांगते हैं। बस का फ्री सर्विस मिलता है तो हाँ सुविधा रहता है ना, इसलिए आदमी आता है। हाँ, अभी सब महंगा कर दो, पैसा लगा दो, ज़्यादा नहीं। आदमी खुशी खुशी, यानी कि खुशी खुशी मतलब सब कुछ दर्शन करता है, हर चीज़ के लिए, बस के लिए, फिर आपका खाने पीने के लिए प्रसादालय भी है, तो हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिक है। वही तो कह रहा हूँ, देखो लाइन लगी हुई है, आराम से सब लाइन में बैठे। और देखो ऐसा लाइन में खड़े भी नहीं रहना है, बैठने की व्यवस्था है। पैकेट भी मिलता है नाश्ते के लिए, देखो वे टू फूड पैकेट स्टॉल सुबह सुबह ना। हाँ, उसमें पूरी भाजी और एक पूरी भाजी मिलती है सुबह सुबह मिलता है, और नाश्ते के लिए अन्न पैकेट फ्री वो भी फ्री है, कोई पैसा नहीं। फ्रेंड मिल गई है, वो तुम्हारा फ्रेंड
क्या नाम है आपके फ्रेंड का? आयुष। मिस्टर आयुष कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट डिवीजन में। अरे मैं भी फर्स्ट आने वाली हूँ। क्लास में पूरे लाए फर्स्ट। हाँ फर्स्ट है तुम्हारा? अरे क्लास में मैं भी फर्स्ट आया। देख ना ये नया वाला बिल्डिंग है, इसी में जाना है। अब हम जा रहे हैं चप्पल उप्पल रखने। चप्पल और मोबाइल वोबाइल अलाउड नहीं है, तो सब जमा करना पड़ेगा लॉकर में। वो देखो ना वैसे आ जाएंगे। वो देखो ऐसा रख के ऐसे आ सकते हैं। मोबाइल लॉकर और चप्पल स्टैंड दोनों हैं। मोबाइल और कैमरा सब जमा करते हैं और दर्शन के बाद आपको मिलते हैं। और जो भी होगा इसके आगे हुई जानकारी मैं कंटिन्यू करूँगा। ओम साई राम। दर्शन कर लिए हम लोग। ये देखिए नाइट का समय कैसा एकदम पूरा जगमग जगमग होगा। रोशनी सी हॉल से जाना है दर्शन के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है। बहुत ही बहुत व्यवस्था है। बहुत अंदर तो नर्स बैठी है, डॉक्टर बैठे हैं, दवा लेके बिस्लेरी है, चाय कॉफ़ी बिस्कुट सब फ्री में दे रहे हैं। फुल एसी, एसी में पूरा दर्शन एसी के अंदर में बैठ के बहुत सारे हॉल्स बनाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। मस्त फैसिलिटी भाई, बहुत मस्त। हाँ वैसा स्ट्रक्चर दिया है पुराना जैसा, मतलब सिडनी में जितने भी बिल्डिंग्स बनी है सब इसी थीम पे बनी है। क्लीन, कोई देखेगा पहली बार आएगा कहीं दूसरे स्टेट से तो बहुत पुराना। चलो मस्ती मत करो, आज फैमिली मिसिंग हो गई है। भैया का फोन लेके उन लोग वहाँ पर ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। उन लोग हमारे दर्शन करने आए हैं गाजीपुर से, तो सबका मुलाकात हो गई। जय हो यूपी, जय हो बिहार। सिखा रहे दोनों प्रसादालय। हाँ आगे है प्रसादालय, चलो आगे चलते हैं। खाना चलते खाते हैं ना पैदल पैदल। चलो चलते रहे लोग। चलो मेले में दर्शन करने जाते हैं, उसका खाना खाने के लिए सब लोग जा रहे हैं प्रसादालय की तरफ। देखो भीड़ जा रही है प्रसादालय की तरफ जा रही है। प्रसादालय का टाइमिंग है 9:30 बजे लास्ट, और शायद सुबह 9:30 बजे चालू होता है। देखते हैं वहाँ पे, बताता हूँ आपको जल्दी टाइम। पहुँच गए करीब करीब प्रसादालय की तरफ। वो रहा प्रसादालय। तो ये कूपन ले लिया हमने, इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 9:15 बजे तक। चलो आ जाओ। और एक एडल्ट का 50 रुपीस और छोटे बच्चों का बिलो 10 ईयर्स 30 रुपीस। मतलब ये पेड़ वाला है जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, वैसे फ्री भी मिलता है खाना, आप फ्री भी खा सकते हैं। तो हम लोगों ने पेड़ वाला लाइन लिया है अभी। ये प्रसाद आलय की थाली है, उसमें दही चावल और ये सब सिंगदाना की चटनी और रोटी और हलवा और दाल और सब्जी वब्जी सब है। आलू ऐसा जय साईं राम। और लोग वहाँ बैठे हैं, सब लोग वहाँ बैठे हैं। सिद्धू को बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रसाद आलय की क्यों देखिए, गजब का भीड़ हो गया। गजब का भीड़ है भाई, एकदम यहाँ तक लाइन लगी है। यार कितना अच्छा प्रसाद था, बहुत ही अच्छा। आपने देखा ही, और अभी मेरे पीछे देखा आपने कितनी बड़ी लाइन थी, कम से कम 150 लोगों की लाइन लगी हुई है। अच्छा हमने टाइम से खा लिया। वो देखो सीढ़ी जल रही है अभी भी, खाना इसमें तो बनता है सब। आग जल रही है, देखो आग जल रही है। देखो ये देखिए आग जल रही है साईं बाबा के भंडारे में। हाँ इसी से खाना बन रहा है, आज तक ख़त्म नहीं हो रहा है। और अभी चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं। अरे लोग कुछ लेना वाना है वो भी सब जरा टाइम पास करते हैं। जब तक चला चांद वाली चीज़ देखते नहीं तब तक ऐसा नहीं लगता कि कोई धाम में आए हैं। नहीं वो बात नहीं, जाते जाते बहुत सारा है, जाते जाते बहुत सारा है। चलो कोई बात नहीं। फेवरेट जगह है सभी का फोटो खिंचाने का। और सबसे बड़ी बात पता है, ये जगह पे आता हूँ ना तो हाँ होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी याद है ना मुझे क्या याद आता पता है, लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो मेरा यहाँ सबका शूट किया और बाद में GoPro है ना चालू ही नहीं हुआ। पूरा का ब्लॉग मेरा खराब हो गया था। मतलब पूरा दिन भर का वीडियो बनाया और यहाँ खाना खाया, खाना खाने के बाद GoPro भी बुरा ही नहीं कर रहा हूँ मैं। देख गया। वो यादें बता रहा हूँ मैं, इस बार नाराज़ मत हो जाना।
कौन नाराज हो रहा है? घोपरो किसी को पता ही नहीं रहा है, घोपरो नाराज हो जाएगा। यहाँ पे एक शॉप में आए हम लोग, ए टू जेड सब सामान मिल रहा है। इतना बड़ा शॉप है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है साई मार्केट। चप्पल जूता, चलो आज से कुछ साल पहले यहाँ इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे। मैकडॉनल्ड्स और भी है एक दो प्लेयर्स, मैकडॉनल्ड्स है और क्या है, हाँ मैकडॉनल्ड्स ही है। इतने बड़े प्लेयर्स कभी हुआ नहीं करते थे, अभी भी आ गए यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, विकास बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ पर। और ये हमारा सबसे फेवरेट स्टॉप हैशटैग सिरडी, हर कोई यहीं में फोटो खिंचाता है। आरू हैशटैग सिरडी, हैशटैग सिरडी। नहीं रे कुछ नहीं खाने के लिए, नहीं खाएंगे नहीं हम लोग, बिस्किट खाएंगे कि साथ खाएंगे वो। बट हमें लगा था कि बहुत भीड़ होगा, बहुत भीड़ होगा, रोड जाम रहेगा, ट्रैफिक होगा। फिर भी हमारा ढाई घंटे में दर्शन हो गया ना? हाँ ढाई घंटे में दर्शन भी हो गया और रोड भी ऐसा जाम जूम बोल रहे थे, कुछ नहीं है ऐसा। भगवा बना के रखे भगवा जी। सिद्धि का दोस्त है ना आयुष, नाराज हुआ। क्या हुआ सिद्धि, क्यों नाराज हुआ हो? क्या हुआ उसको? क्या हुआ सिद्धि? आपने मार दिया क्या उसको? बोलो टॉयज नहीं खेलते। भक्त निवास घूम घूम के है। हाँ गए, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, सभी को आ रहा है। ऐसे बस का इंतजार हो रहा है। दोनों को बताने क्या हो गया है? वो नाराज है, कहीं भी नाराज हो गई है, मना रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ आयुष? फिलहाल हम लोग फ्री बस के लिए वहाँ पे रुके थे, बट फ्री बस मिली नहीं हमें, कि उसको टाइम लग रहा था आने में, तो हम लोगों ने टमटम पकड़ा और आ गए। क्योंकि हालत में ऐसे नहीं था कि मैं टमटम का कुछ दिखाऊं, कि थक चुके हैं एकदम दर्शन और ये सब करते करते। और फिर जो सिद्धि के नए फ्रेंड्स मिले थे उनके साथ मस्ती, गोलगप्पा मस्ती। सिद्धि देखो हमें प्रसाद खा रही है, बहुत ही अच्छा मतलब दर्शन हुआ। ऐसे लग रहा है कि कोई फाइव स्टार होटल में घूम के आए हैं। मंदिर तो किसी हिसाब से नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा है मतलब व्यवस्थाएं सुविधाएं बहुत ही क्लास नेक्स्ट लेवल की है। गर्भगृह में गए तो भाई वो तो बात अलग है। और वहाँ पर प्रभु राम जी की मूर्ति भी फोटो रखी हुई है और अक्षत कलश जो अयोध्या का वो भी रखा गया है, तो सब देख के भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं तो कनेक्ट एकदम होता है। खैर भगवान जी हर जगह हैं। आई होप आपको भी ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा मंदिर प्रसादालय सब देख कर अच्छा लगा। तो प्लीज़ हमें लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके इस प्यार से। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय श्री राम।